हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रॉबिनहुड फ्री फायर गेम। हेलो, हम लोग की गेम पे न्यू लक रॉयल आ चुका है हॉल ऑफ इलाइट करके, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जिसमें हम लोग को यार सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है। सीज़न 1 सीज़न 5 के इलाइट पास के ना सारे आइटम्स हम लोग को देखने को यहाँ पास मिल जा रहा है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो। भाई ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली बात है, ठीक है। यहाँ पास आप लोग देख सकते हो असेसियन मास्क भी यहाँ पास मिल रहे हैं, फिर पुराने वाले बैकपैक्स वगैरह मिल रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें भाई, सारे अवतार बैनर मिल रहे हैं, मतलब क्या चीज़ नहीं यहाँ पास मिल रहा है। आप लोग देख लेना आप लोग गेम पे जाके, ठीक है। और बहुत सारे डायमंड्स यहाँ पास लगने वाला है, मेरे को पता है 2700 डायमंड कुछ नहीं होता है इसके लिए, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें भाई सीज़न 1 से सीज़न 5 तक ना सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पास देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो यार अपन स्पिन करते, 10+1 वाला स्पिन करेंगे सीधे फटैक से। अपन 10+1 वाला स्पिन मैंने यहाँ पास कर दिया है, और देखते पहले स्पिन मेरे को क्या क्या मिलता है, ठीक है। और टोकन भी कलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके अपन को जो है बंडल मिलेगा। और देख सकते हो यहाँ पास मेरे को कुछ मिला है, तो बंडल नहीं मिलेगा मेरे को पता इतने जल्दी। तो यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं टोकन मेरे को मिला है कुछ, देख सकते हो स्क्रीन पे। और बंडल के लिए हम लोग टोकन एक्सचेंज कर सकते हैं यहाँ पास। तो बंडल के लिए कितने टोकन चाहिए, बाप रे बाप भाई, आप लोग देख रहे हो 180 टोकन इसके लिए चाहिए, फिर 180 टोकन इसके लिए चाहिए, 120 टोकन इसके लिए चाहिए। भाई साहब ये खतरनाक सीन है, ठीक है। और 50 टोकन अपने के मास्क के लिए चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टोकन चाहिए भाई यहाँ पास, ठीक है। तो चलो फिर से अपन करते हैं 400 वाला स्पिन। और भाई सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ ना, तो भाई बहुत ठंड लग रहा है मेरे को, ठीक है, ऐसा ही सीन है। तो भाई बहुत ज़्यादा टोकन यहाँ पास लगने वाला है, मतलब मेरे को चाहिए। यहाँ पास बैट भी मिल गया अपन को, पुराना वाला बैट का स्किन है। और यहाँ पास अवतार बैनर तो भाई पुराने पुराने मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब टोकन भी आप लोग देख सकते हो, और सारी चीज़ें मतलब बहुत पुरानी चीज़ें हैं भाई, जो हम लोग के अभी जो गेम पे आना है इस वाले लक रॉयल पे, सारे पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है। चलो फिर से 10+1 वाला स्पिन करते हो। भाई बंडल मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाएगा, अपन को बंडल चाहिए, क्योंकि यार बंडल ही मेन है इसमें का। और बाकी अवतार बैनर भी हैं पुराने पुराने सारे के सारे। भाई टोकन खतरनाक मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पास 30 टोकन मेरे पास हो चुके हैं, और 1200 डायमंड यहाँ पास ख़त्म हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। फिर से 10+1 वाला स्पिन करते हैं यहाँ पास भाई। पर डायमंड बहुत लेने वाला है यार ये वाला इवेंट ना, बहुत ज़्यादा डायमंड कंज्यूमिंग मतलब वो है, और क्या ही बोला जाए, ठीक है ना। बस फिर से यहाँ पास कुछ निकला है अपना ये बैकपैक, बाप रे बाप भाई कुछ दे नहीं रहे भाई इन लोग, डायमंड लूटे जा रहे हैं भाई, और कुछ वाला सीन नहीं है, पूरा डायमंड लूटे जा रहे हैं, सिर्फ टोकन वगैरह दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं भाई, देख सकते हो आप लोग स्क्रीन पे। आप लोग भी स्पिन करने से पहले एक बार सोच लेना, ठीक है। एक एक टोकन यहाँ पास पकड़ा रहे हैं, और कोई मतलब नहीं है भाई। अपन कोई सा एक बंडल दे दो यार, मेल फीमेल कोई सा भी एक बंडल दे दो, वसूल हो जाएगा, ठीक है। मेरा इतने सारे डायमंड वेस्ट हो गए ना भाई, पूछो मत, ठीक है। बहुत ज़्यादा वाला डायमंड वेस्ट यहाँ पास हो गया है, और यहाँ पास कुछ तो मिला है मेरे को। अबे यार लूट बॉक्स दे रहे हैं, ठीक है, नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पास देख सकते हो मेरा भाई बहुत ज़्यादा डायमंड यहाँ पास ख़त्म हो चुके हैं 2000 के आसपास। चलो यहाँ पास और करते हैं अपन। तो एक एक के स्पिन में क्या देगा भाई, अपन को शायद और डायमंड टॉप अप करना पड़ सकता है भाई। तो आप लोग सोच समझ के इस पर स्पिन करना, क्योंकि एक बंडल के लिए भाई कितने सारे टोकन चाहिए आप लोग देख ही सकते हो, ठीक है, 180 के आसपास। और मेरे पास सिर्फ 68 टोकन हुए हैं उतने ज़्यादा डायमंड वेस्ट करने के बाद, ठीक है। और टोकन के अलावा कुछ यहाँ पास मिलने नहीं वाला, ये तो मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास देख सकते हो 74 टोकन अभी मेरे को मिला हुआ है, और यहाँ पास देख सकते हो यार अभी मेरे को कुछ भी अच्छा सा चीज़ मैं यहाँ पास नहीं निकाल सकता, ठीक है। एक असिस्टेंट स्कार्फ ही निकाल सकता हूँ मैं, और बाकी तो सारी चीज़ें भाई भूल जाओ, ठीक है। 15 टोकन पे बैकपैक वगैरह हैं, तो ये भी सारे पुराने बैकपैक्स हैं, ठीक है, कोई नए नहीं हैं। और मेरे को शायद ये सारी चीज़ें हैं भाई, जितने भी सीज़न 1 से सीज़न 5 तक जितने भी मतलब इलाइट पास में जो जो आइटम्स आए ना, सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पास मिल रहे हैं। और सकुरा बंडल है, ये है, क्या बोलूँ भाई, मतलब ना ये ना बड़ा ख़तरनाक है फ्री फायर की जो हिस्ट्री है ना, उसमें भाई पहली बार ऐसा हुआ है कि इलाइट पास की चीज़ें हम लोग को देखने को मिला रिटर्न में। वो बहुत कम कम डायमंड तो नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा डायमंड लगने वाला है हर एक बंडल के लिए, जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पास यार तो मैं तो अभी तक तो कुछ भी नहीं निकाल सकते, ऐसा सीन है कि एक भी मतलब जो है ना अपन
बंडल यहाँ पास निकाल नहीं सकते क्योंकि भाई टोकन इतने ज़्यादा लगने वाले हैं। मेरे को देख सकते हो यहाँ पास लगने वाले हैं अभी तक 120 टोकन, और अपन को करना पड़ेगा डायमंड टॉपअप। तो डायमंड टॉपअप कर लेते हैं थोड़ा बहुत का, नहीं तो फिर देखते हैं भाई बाद में निकालेंगे, ठीक है। तो भाई लोग यहाँ पास देख सकते हैं मेरा डायमंड टॉपअप हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो 1200 डायमंड मेरे अकाउंट में फिर से आ चुका है। मैं ज़्यादा डायमंड वेस्ट नहीं करने वाला क्योंकि मैं अपना जो अकाउंट है वो सेल करने वाला, आप लोगों को पता ही होगा मैंने वीडियो डाला था कि मेरे अकाउंट मेरे को सेल करना है। तो जिस जिसको लेना भाई इंस्टाग्राम पे टैग से मेरे को मैसेज करो, सिर्फ जो बंदे इंटरेस्टेड हो वही मैसेज करना, और यहाँ पास अपन स्पिन भी कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये वाला अकाउंट में आप लोगों को पता है भाई कितने में आप लोगों को बेचने वाला हूँ, बहुत ही कम में, मतलब ये वाला जो अकाउंट है मैं देने वाला हूँ सिर्फ 20,000 में, और अभी मैंने देख सकते हो भाई कितने ज़्यादा डायमंड वेस्ट कर दिए, ठीक है। तो वही है यार, जिसको जिसको लेना है ना नीचे मैसेज करना मेरे को, ठीक है। और यहाँ पर तो कुछ अच्छा सा मेरे को मिलने नहीं वाला, मेरे को पता है, उम्मीद तो यही लग रहा है अपन को सिर्फ टोकन ही देने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पास भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस करके देने से कोई मतलब, चलो एक सर्वबोर्ड मिला जो बहुत पुराना सर्वबोर्ड है, ये भी अच्छी बात है, और टोकन बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं भाई, टोकन के अलावा और कुछ नहीं दे रहे हैं इन लोग। तो ये लास्ट स्पिन है, उसके बाद मैं स्पिन नहीं करने वाला, ठीक है। और क्योंकि भाई मेरे को अकाउंट सेल करना है तो मेरे को स्पिन करने से भी कोई मतलब नहीं लग रहा है, और है ना 100 स्पिन में तो कुछ ना कुछ स्पेशल मिलता है, तो अभी कुछ स्पेशल तो मिल सकता है मेरे को ऐसा लग। ओ माई गॉड भाई, लक्की नंबर 100 होने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो लक्की नंबर मेरा 106 हो चुका है फिर भी मेरे को कुछ नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पास आप लोग लकी नंबर देख सकते हो। तो मैं अब डायमंड वेस्ट नहीं करने वाला क्योंकि मेरे को अकाउंट सेल करना है, ठीक है, और मेरे को जो है बंडल वगैरह ही निकालना है, ठीक है। तो बाकी ये बंडल वगैरह तो अभी निकलने से नहीं रहा, तो इसको रहन दो, और जो अकाउंट परचेस करेगा अगर परचेस नहीं करेगा तो मैं बाद में लिखूँगा निकालने के लिए, पर आप लोग को ही आइडिया मिल गया होगा कि भाई कितना ज़्यादा डायमंड इसमें लगने वाला है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ तो अपन निकाल ही लेंगे, अगर मैंने अकाउंट परचेस नहीं किया तो जो भी मेरा बंदा अकाउंट मेरा परचेस करेगा वो निकाल लेगा, ठीक है। तो जिसको जिसको मेरे अकाउंट परचेस करना है सिर्फ 20,000 में, मतलब एक ही बंदे को खरीद पाओगे। दो चार बंदों ने मेरे को मैसेज किया है पर उन लोग का भी कोई रिप्लाई नहीं है, ठीक है। तो आज तक देखता हूँ मैं कौन कौन इसको खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, फिर मैं भेज दूंगा भाई, यही सीन है भाई। तो जिसको जिसको खरीदना है भाई नीचे मैसेज करो, और यहाँ पास 113 टोकन भी हो चुका है, और मेरे को क्या क्या मिला ये आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि विपन वाले सेक्शन में जाके दिखा देता हूँ कि क्या क्या इसमें से मिला मेरे को। तो विपन वाले मैली विपन में मेरे को सिर्फ बैट का स्किन देखने को मिला था, ये वाला, चलो ये पुराना है तो इक्विप करके रख देते हैं इसको, और बाकी तो कोई इसमें कुछ नहीं मिला है। बाकी फिर लूट बॉक्स वगैरह मिला है भाई, जो चीज़ें अच्छी नहीं वही अपन को मिला है। और डायमंड इकट्ठे कैसे करेंगे भाई, तो डायमंड इकट्ठे मेरे को वैसा ही करना पड़ेगा, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, मंथली करके। अभी तो मैं इसको अब करने नहीं वाला, आगे परचेज नहीं करने वाला। यहाँ पास लूट बॉक्स देख सकते हो, 3 पुराने लूट बॉक्स यहाँ पास मेरे को मिल चुके हैं जो सीजन 3 या 4 के हैं, 4 के हैं, ठीक है। और सर्वबोर्ड भी पुराने वाले मिल गए हैं, पायरेट्स वाले, तो मेरे को यही बढ़िया लगता है तो यही रखता हूँ। और ये पुराने सर्वबोर्ड ये भी मिल गया है, ठीक है। तो इतने सारे पुराने भी मेरे को मिल गया, पर ये मेरे को ज़्यादा बेस्ट लगता है न्यू वाला, तो इसको मैं रख लेता हूँ। और व्हीकल में जाके आप लोग को मैं दिखा देता हूँ कि मेरे को ये वाला बाइक का स्किन भी मिला, तो ये भी उतना खास नहीं है। और प्रोफाइल पे जाके दिखा देते हैं, तो पुराने जो है अवतार बैनर मेरे को बहुत सारे मिले थे शायद तक, तो ये पुराना है, ये पुराना है, तो सीजन ये वाला पर रख लेते हैं, ठीक है। और अवतार मतलब किसी भी चीज़ की कोई इज्जत नहीं रहा भाई, अलग ही सीन है। तो ये रख लेता हूँ पुराना वाला, ये हो गया, मतलब सारे पुरानी चीज़ें मेरे को यहाँ पास मिल चुकी हैं। सारे तो नहीं मिली हैं पर बहुत कम मिली है, लिमिटेड सन में मिली है, और 113 टोकन ही है मेरे पास, ठीक है। बाकी आप लोग देख लो यार, ठीक है, जिस जिसको परचेज़ करना है मेरा आईडी नीचे कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नया हो चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करना, वीडियो तो आती रहेंगी, ठीक है, ऐसे ही। पर ज़्यादा डायमंड वेस्ट नहीं करूँगा आपसे मैं, क्योंकि भाई मेरे को पैसे की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं आईडी भी बेच रहा। तो भाई जिसको जिसको लेना इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, ठीक है, वहाँ बात कर लेंगे अपन, ठीक है। तो तकलीफ है, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, टाटा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर।